हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप रोज़ रोज़ कौन सी सब्ज़ी बनाएं और उसकी तैयारी कैसे करें ये आप सोच रहे हो तो इस करी बेस को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये करी बेस, सिंगल करी बेस आपको बहुत सारे करीज बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो ये रेसिपी को आप ज़रूर एंड तक देखिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। तो चलिए अभी हम हमारी रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले पैन में थोड़ा सा आप ऑयल लीजिए और उसके अंदर में ये तेजपत्ता, दालचीनी, 3 लौंग और थोड़ी सी सौंफ, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा रोस्ट कीजिए इन सबको बस थोड़े से सेकंड्स के लिए। और उसके अंदर हम 3 प्याज डालेंगे। प्याज आपको बारीक नहीं काटना है, आप लौंग भी रख सकते हैं क्योंकि इसको हम बाद में ग्राइंड करने वाले हैं। तो 3 प्याज डालिए और ध्यान में रखिए अगर आप 3 प्याज डाल रहे हो तो आपको 3 टमाटर लेने हैं, तो इक्वल प्रोपोर्शन में। अभी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे क्योंकि प्याज अच्छे से पक जाएगा। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे, इसको आप ढक के पकाइए और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए। 5-10 मिनट पकने के बाद हमें अभी इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी अच्छे से प्याज को पकाइए और उसका जो जिंजर गार्लिक का फ्लेवर है वो थोड़ा सा हमें पकाना है। तो इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, वापस ढक के रखिए और इसको वापस आप 5 मिनट पकाइए। तो अभी हम चेक करेंगे कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और अभी टाइम है टमाटर डालने का। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को लिए है और 3 टमाटर को भी आप बड़े बड़े पीसेस में काट सकते हो, तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अभी हम थोड़े से कैश्यूज़ डालेंगे, हैंडफुल ऑफ कैश्यूज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अराउंड मैंने 20 से 22 कैश्यूज़ इसके अंदर डाल दिए हैं। और 1 मोर इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो है इमली का पल्प, वो हम डालेंगे। ये है देगी मिर्च पाउडर, वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर आता है इस करी को। एंड 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने इसके अंदर डाल के हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारा जो अनियन है और टमाटर है इसको ये सब फ्लेवर मिले। और अभी हमें इसको ढक के पकाना है। आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि जो टमाटर है वो ऑटोमेटिकली पानी को छोड़ेगा एंड आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाइए, आपको मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम रखनी है। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से टमाटर पक चुका है एंड प्याज भी अच्छे से पक चुका है और बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। तो दिस इज़ द परफेक्ट करी बेस। अगर आप कोई भी करी जैसा पनीर मटर, इवन चिकन करीज आपको बनानी है तो ये करी बेस को यूज़ कीजिए एंड देन आपको और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस बंद कर दिया है मैंने, इसको आप ठंडा कीजिए एंड अभी हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये करी बेस मैं नॉर्मली 1 वीक के लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि मैं सारे टाइप ऑफ करीज बना सकती हूँ बस इस बेस से। तो ये देखिए, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है एंड यहाँ पे हमारा करी बेस इज़ रेडी। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे गारंटी है कि आपके सारे करीज बहुत ही बेस्ट बनेंगे एंड होटल जैसे बनेंगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।